गुड मॉर्निंग साथियों, सुबह सुबह आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज आपके डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का क्लास होगा, लेकिन ये मास्टर क्लास होगा। ऐसी क्लास जो हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम आगे नहीं पढ़ेंगे, आज हम कुछ थर्ड सेमेस्टर पर ही आधारित महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल करेंगे, ठीक ना। तो सबके लिए महत्वपूर्ण होगा ये क्लास। क्लास वैसे आपकी आठवीं होगी, लेकिन ये टॉपिक आगे नहीं चलेगा। अभी हम लोग जो ब्याज वाला पढ़ रहे थे उसको आगे पढ़ेंगे, उसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करवाएंगे, सरल सरल सवाल हमने करवा दिया है, तो उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। तब तक इसको देखिए, चलिए आगे चलते हैं। बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में मुकाम है, बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम हैं। हो अगर जिंदा तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने का, लहरों के साथ बह जाना तो लाशों का काम है। जी हाँ, तो मुसीबतों के खिलाफ कुछ करने का हौसला बना के रखिए, और मुसीबतों के साथ बह जाना, घुल मिल जाना, उसमें टूट जाना, ये तो मुर्दों का काम है। एक क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा कि एक बस 2 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी जाती है। कितनी दूरी जाती है? 180 किलोमीटर की दूरी जाती है। तो 5 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी? देखिए, मतलब समझना है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वो 2 घंटे में 180 किलोमीटर जा रही, तो 5 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी? देखो भाई, सिंपल सी बात है, ये तो आप लोग निकाल लोगे आसानी से, लेकिन इसके लिए एक आपको शॉर्टकट तरीका बता दें, आसान वाला जो आप पेपर में लगाओगे, बिल्कुल बेसिक तरीका है। 2 घंटे में दिया है, 5 घंटे में आपको निकालना है, मतलब पहले आप तो 1 घंटे का आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, यह अनुपात समानुपात पर आधारित सवाल है, आप लोग इसमें कुछ ऐसे करेंगे, ऐसे लिखिए। यार ये सूख गया एकदम से, क्या आज को इसको खोल के रख दिया था। चलिए ठीक है, देखिए एक तरफ लिख लीजिए समय, और एक तरफ क्या है, दूरी, है ना। समय और दूरी यही तो है, तो लिखिए समय, किस में है समय, घंटों में है, और इधर क्या है, दूरी, दूरी किस में है, किलोमीटर में। अब देखिए समय में 2 घंटे में कितना जा रही है, 180 किलोमीटर, फिर समय क्या कह रहा कि 5 घंटे में, यहाँ चाहे ऐसे लिख लो, ये HRS मतलब आवर्स, 5 घंटे में नहीं दिया, निकालना है, मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, वाई कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक। इतना बात क्लियर है ना, नोट करिए जल्दी से। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग लगभग आप समझ गए हैं, गाड़ी हमारी ट्रैक पर दौड़ चुकी है, ठीक ना। आप कुछ नहीं करना ज़्यादा, लिखिए माना, क्या मानेंगे, वही जो एक्स माना, 5 घंटे में एक्स किलोमीटर की दूरी तय करेगी, मतलब ट्रेन भी लिख लीजिए चाहे तो, बस लिख लीजिए जो भी दिया उसमें, लिखिए माना बस 5 घंटे में एक्स किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक ना, मतलब समझना, 5 घंटे में एक्स किलोमीटर की दूरी तय करेगी, हमने मान लिया। अब आप जानते हो कि समय और दूरी क्या है, ये दोनों अनुलोमानुपाती हैं, एक दूसरे के अनुलोमानुपाती हैं, अब इनका मतलब समझना। तो ये तो इतना हो गया, अब आप लोग कर ले जाओगे ना यहाँ से, देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान देना, 2 घंटे फिर 5 घंटे, देखो बढ़ रहा है ना, ये 180 किलोमीटर जा रही थी, और ये क्या होगा, फिर घटेगा, ये ऐसे चलेगा, मतलब समझना अभी आगे, ठीक ना। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आपने लिख लिया होगा, तो हम ऊपर लगा देते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। फिलहाल ये चिन्ह वगैरह लगाइए ना लगाइए, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब समझना। अब क्या करेंगे, हमें x का मान निकालना है, जो ऐसे इस तरह का दिया है ना, इसे आप अनुपात में भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे अनुपात में, अनुपात में सिंपल सी बात है, इसे आप लिख सकते हो 2:5, और बीच में समानुपात 180:x। हमारा मेन यही टॉपिक था, चूँकि ये हमें अनुपात समानुपात से मिला हुआ सवाल है, बस इसी का मान निकालना, x का मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा।
ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका इसमें करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणा x और 5 गुणा 180। ठीक, इतना हो गया एक साइड में। इसी चीज़ को हम इधर हल करेंगे, इधर जगह नहीं, इस वजह से आप लोग नीचे नीचे कर लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी समस्या की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 180 गुणा 5, चाहे तो 5 पहले लिख लो बाद में, उससे कोई मतलब नहीं है। तो x बराबर हो जाएगा 180 गुणा 5 बटा 2, 2 से काट दो 90 आएगा, x बराबर 90 गुणा 5, 5 9 45, 450 किलोमीटर, मतलब आ गया ना आंसर। यानी कि वो बस जो 2 घंटे में कितना जा रही थी, 180 किलोमीटर जा रही थी, वो 5 घंटे में कितना जाएगी, 5 घंटे में 450 किलोमीटर जाएगी। अब इसको आप सिंपल माइंड से लगा लो बिना किसी किताबी या सवाल के, कैसे इसको नोट कर लीजिए। इतना बात समझ में आई, पहले क्वेश्चन उतारना, फिर इसको इतना लिखना, ये जो मैंने लिखा था नीचे, ये लाइन के नीचे जो लिखा हूँ ना, पहले इसको लिखना, फिर इसको करना, इतना करना, फिर इसका करना। ठीक, हो गया, नोट करिए। देखिए, अब इसको हम लोग देसी मतलब भाषा में, या फिर कहें अपने व्यवहारिक रूप में लगा सकते हैं बिना किसी मतलब गणित या किताबी लैंग्वेज के। कैसे, देखिए, कह रहा था कि 2 घंटे में ट्रेन कितना जा रही है, बस जा रही कितना, 180 किलोमीटर, तो 5 घंटे में पूछा है। आप जानते हो 1 घंटे में कितना जाएगी, 2 में 180 है, तो 1 घंटे में ये 90 किलोमीटर जाती, 90 जाती ना, 5 घंटे में निकालना है ना, इसको 5 से गुणा कर लो ना, 5 9 45, 450 आ गया ना। लेकिन ये किताबी तरीका नहीं, मतलब व्यवहारिक तरीका है, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं, रूल यही होता जो मैंने बताया, उसी तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको खुद से कोशिश करना। ठीक ना, उम्मीद करते हैं सभी लोग कर लोगे, ये मास्टर क्लास है, चूँकि इसको आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, है ना, नहीं पढ़े होगे तो इसको बता देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। देखिए, एक ट्रेन जो 3 घंटे में 150 किलोमीटर जा रही है, तो कह रहा कि 4 घंटे में कितना दूरी जाएगी, इसको आपको हल करके बताना है, और उम्मीद करते हैं कि आप हर कोई लगा लोगे, पक्का लगा लोगे। देखिए, इसके जो ऑप्शन हैं हम आपको दे दे रहे हैं, इसमें कमेंट कर देना आप लोग, वैसे सब लोग जानते हो, बता ले जाओगे। पहला ऑप्शन है 100 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 110 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 120 किलोमीटर, और चौथा है नॉन ऑफ दीच। सवाल नंबर तीसरा है, इसलिए आप लोग लिखोगे 3A, अगर बी सही तो 3B, सी सही है तो 3C, इस तरह का कमेंट करना जिससे राइट कमेंट आपका माना जाए। ठीक ना, तो इसी क्रम में हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं, जल्दी से उसको भी नोट कर लीजिए। लिखिए, 10 मजदूर कोई काम 30 दिन में करते हैं, यदि मजदूरों की संख्या को 2 गुनी कर दिया जाए तो काम कितना दिन में हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 10 मजदूर कोई कार्य को 30 दिन में कर रहे हैं। देखिए, कितने मजदूर हैं, 10 मजदूर हैं, काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं, यदि मजदूरों की संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो काम कितना दिनों में हो जाएगा। हर कोई जानता है, आपके घर में कोई काम होता होगा, या जहां आप कहीं वर्क करते हैं तो वहां कोई कार्य होता होगा, या फिर आप डिनर या कोई भी दूसरे चीज़ के बारे में बात कर लीजिए। अगर ज़्यादा लोग उसी काम को करेंगे तो कम समय में हो जाएगा ना, जैसे सिंपल सी बात है, कहा जाए कि आपको 25 पेज या 20 पेज लिखना है, 20 पेज भरना है लिख लिख के, ठीक ना, तो अगर आप अकेले कर रहे हैं, मानते हैं कि एक दिन में आप 4-4 पेज भर रहे हो, तो 5 दिन में आप लिखोगे 4×5=20, है ना। लेकिन अगर आपका एक फ्रेंड आ गया, वो भी आपका साथ साथ में काम करवा रहा है, तो कितना दिन लगेगा, जहाँ उसमें 5 दिन लग रहा था 2.5 दिन में हो जाएगा, मतलब 2 दिन और एक आधा दिन और लग जाएगा। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हो कि अगर कोई भी काम करने वालों की संख्या बढ़ेगी तो समय जो है अपने आप घट जाएगा। जैसे इसको ऐसे समझ लो, जैसे आपको प्रयागराज से दिल्ली जाना है, अगर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं और आपको जाने में 10 घंटे लग रहा है, ठीक है, एक एवरेज बता रहा हूँ आपको, 10 घंटे लग रहा है, लेकिन अगर आपने अपनी चाल बढ़ा दिया, 60 की जगह 120 कर दिया, तो आपका समय 5 घंटे हो जाएगा, मतलब उसका आधा हो जाएगा। क्यों, इधर आपने चाल बढ़ाया, उधर क्या हुआ, समय कम हो गया। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिलोमानुपाती होते हैं, इसको लिख लो टॉपिक को। जब 2 राशियाँ इस प्रकार संबंधित हों कि एक राशि के बदलने पर दूसरी राशि उसी के प्रतिलोम अनुपात में बदलती हो, तो उसे प्रतिलोमानुपाती राशियां कहते हैं। कर लेंगे ना, बात समझ में आई, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख लो,
मजदूरों की संख्या, ठीक, और इधर क्या लिखोगे, इधर क्या कह रहा है, दिनों की संख्या या फिर काम में लगने वाला मतलब जो समय है, ठीक, दिनों की संख्या। आप जानते हो मजदूरों की संख्या शुरू में 10 थी तो कितना दिन लगता था, 30 दिन लगता था। मजदूरों की संख्या कह रहा है दोगुना कर दो मतलब 20 कर दो, तो सिंपल सी बात है ये 15 दिन हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो इस तरह से आपका इसमें आंसर भी आ चुका है, आप इसको नोट कर सकते हो, है ना। देखो ये ऐसे घटेगा और ऐसे बढ़ेगा, बात समझ में आई ना। ये एक दूसरे के प्रतिलोमानुपाती होते हैं, लिख लीजिए। देखिए मतलब समझिए, टॉपिक को समझिए, ज़्यादा समय ना गंवाइए, करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को रोक करके तुरंत। इन दोनों में कौन सा अनुपात बड़ा है, सवाल नंबर चौथा हो जाएगा आपका, बीच में एक नंबर मिस हो गया था, है ना। देखिए साथियों, आप जानते हैं अनुपात कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे निकाल सकते हैं, जब आपको भिन्न के बारे में मालूम हो। 3/5 का मतलब हुआ ये, सॉरी 3/5 का मतलब 3/5 हुआ, ठीक, और ये 5/8 हो जाएगा, इस अनुपात का यही मतलब हुआ। एक तरीका है कि आप 5 और 8 का एलसीएम निकाल करके दोनों भिन्नों में तुलना कर लो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों भिन्नों में कौन बड़ी है। दूसरा तरीका ये है, आप इनको भाग कर लो, 5 से भाग कर लो 3 में, ये देखो दशमलव ऊपर बढ़ाएंगे 0 आएगा, 5 6 30, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 6 बार जाएगा, यानी कि 0.6 आ गया पहले में। अगर आप इसको भाग करोगे मतलब कि 8 से आप 5 में भाग करोगे, ऊपर दशमलव बढ़ा के 0 उतारोगे, 8 6 48 घटाने पर 2 आएगा, फिर 0 8 दूना 16, मतलब समझना क्या आया, यहाँ पर 0.62 आया। अब इन दोनों में कौन बड़ा है आप खुद ही बता लो। देखिए इसके आगे हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, 2 0 बढ़ा सकते हैं, चाहे जितना 0 बढ़ा लो कोई मतलब नहीं, वो 0.6 ही रहेगा, लेकिन अमूमन इसके आगे क्या करेंगे हम, 1 0 बढ़ाएंगे, बाकी कोई मतलब नहीं जाता 0 बढ़ाने से। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो इसका जो इकाई का अंक है दशमलव के बाद में मतलब आने वाला उधर साइड से, वो 2 है ना, ज़्यादा है ना, यानी कि ये ज़्यादा है इससे, और ये भिन्न क्या है, बड़ी है, अतः ये अनुपात क्या होगा, बड़ा होगा। ये तरीका है आपको समझने का, आप इसे सिंपल बेसिक खुद समझ सकते हैं, ठीक। अब अगला सवाल पे चलते हैं, इसको भी देख लेना, इसको हम अलग तरीके से बता देंगे, टेंशन मत लेना। देखिए इसका मतलब होता है 2/7, इसका मतलब होता है 6/8। अब साथियों दूसरा तरीका ये है, आप एलसीएम ले लो 7 और 8 का मतलब हर हर का, तो 7 8 क्या हो जाएगा, 56, कितना हो जाएगा एलसीएम 56, इसको यहाँ पर लिख लो 56। अब क्या करेंगे, जो 56 आया उसमें 7 से भाग करो, 7 से भाग करोगे, ये लो कर लो भाई, 7 8 56, 8 बार गया ना, जो 8 बार गया उसका 2 में गुणा कर दो, 16 और नीचे एलसीएम, ये हो गया 16/56। 8 से भाग कर लो एलसीएम में, 56 में 7 आएगा, 7 का गुणा कर दो 6 में, हो जाएगा 42/56। अब आप इन दोनों में तुलना कर लो भिन्न में, क्योंकि हर हर बराबर हो चुका है। आप देख रहे हो ये 16 है, ये 42 है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, यानी किसका मान था ये 6 8, यानी किसका मान था, आप क्लियर कर लिए होंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। इन दोनों में से कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताना, ठीक ना। ऊपर अलग तरीका था, नीचे वाला अलग तरीका था। अगला क्वेश्चन देखना, उसके पहले हमारे फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें, फेसबुक पर PVR स्टडी सर्च करें, देखिए उधर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, और वहाँ पर आप फ्री की क्लास देख सकते हैं, कंप्लीट कोर्स पूरा बिल्कुल फ्री। देखिए साथियों क्लास को पूरा देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग शामिल करेंगे, और ये थर्ड सेमेस्टर पर आधारित है, सारे क्वेश्चन याद रखना, आपके एग्जाम में आएंगे इनमें से, ठीक ना, अलग कोर्स का नहीं है। इसमें कह रहा है x का मान बताओ यदि 13 और अनुपात है 45, फिर समानुपात जो है 16 और फिर क्या है x है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, आप जानते हो, चाहे तो इसको बटे में लिख लो दोनों को, और चाहे तो आप दूसरा तरीका ये है कि आप इसका मल्टीपल इसमें कर दो, बाहर का बाहर अंदर में अंदर, ये जानते हैं, है ना, आप सभी लोग जानते हैं, तो कर लो फिर 30 का गुणा x में करेंगे और बराबर क्या हो जाएगा, ये 16 का गुणा 45 में या 45 का 16 में, मतलब वही हुआ, यहाँ से x बराबर निकालोगे तो ये हो जाएगा 16 × 45/30 15 से काट दोगे तो 15 3 = 45, 15 2 = 30, और 2 से डिवाइड करोगे
तो क्या आएगा, 8 है ना। यक्स की वैल्यू कितना आएगी, 24। कितना आएगी, 24। बस हो गया, इसमें कोई मात्रक तो दिया नहीं था। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन लिखना, जल्दी नोट करिए। एक पार की लंबाई और चौड़ाई में 5:3 का अनुपात है। क्या है, 5:3 का अनुपात है। यदि लंबाई 95 है मीटर में तो चौड़ाई बताओ। सवाल आपके सामने आ चुका है। उसके पहले आपको बता दें, अगर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, तुरंत फट से लाइक करके। और क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा अगर नहीं किया अभी तक तो, ठीक ना। ये बात आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए हम याद दिलाते हैं, क्योंकि आप लोगों की शिकायत आती है कि मुझे क्लास नहीं मिल रही। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं ऑन करोगे, क्लास को नहीं लाइक करोगे, तो फिर अगली क्लास नहीं मिलेगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए, कह रहा कि पार्क की लंबाई और चौड़ाई में 3:5 का अनुपात है। लंबाई चौड़ाई मीन्स लेंथ और ब्रॉथ में। तो पूछ रहा है कि यदि उसकी लेंथ जो है 95 है, तो उसकी चौड़ाई कितना होगी, उसकी ब्रॉड्स कितना होगा। क्या करेंगे, मान लीजिए, हल लिखिए, माना पार्क की चौड़ाई इक्वल कितना, एक्स मीटर, क्योंकि ये हमें मीटर में दिया 95। ठीक, हमने क्या मान लिया, एक्स मीटर। अब क्या करेंगे, कह रहा कि यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, लंबाई अनुपात क्या है चौड़ाई, वो कितना है, 5:3 दिया है। बोलो, दिया है ना। कह रहा है कि 5:3 का अनुपात है। सिंपल सी बात है, लंबाई हमें दी है, देखो 95 दिया है, हमने लिख लिया। चौड़ाई नहीं दी है, हमने x माना है, इक्वल 5:3। बस कर लो, हो गया इसका, इसमें इसमें ये हो गया x का 5 में, और ये हो गया 95 का 3 में। क्या हो गया, 95 का 3 में, ये 95 है। तो x बराबर हो जाएगा 95 इंटू 3 अपान 5, 5 से डिवाइड करोगे 19 आएगा, x इक्वल 19 इंटू 3 इक्वल 57 मीटर, यानी कि उसकी चौड़ाई कितना थी, 57 मीटर थी। नोट करिए जल्दी से, हो गया तुरंत। फास्ट करिए, वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए, या फिर रोक करके वीडियो को लिख लीजिए। नहीं समझ में आप, पीछे करके फिर से देखिए, बार बार देखिए। वीडियो को डाउनलोड कतई ना करें, ऑनलाइन देखते रहें, कभी भी देखें, कितनी बार देखें, ऊपर नंबर पर संपर्क करें अगर हर दिन देखना है तो। साथियों, ये दो सवाल आपके सामने आ चुके हैं, इन सवालों को देखना, 7 और 8 को, और बहुत ही ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं। ये कह रहा कि 2 की पावर 3, 2 का घात 3 है, और डिवाइड बाई 2 का घात 1। ध्यान देना, इसको बहुत अच्छे से मैं लिख देता हूँ। ये है 2 का, यार ये मार्कर है, क्या है, ये सूख गया था इस वजह से नहीं चल रहा है। 2 का घात 3 डिवाइड बाई 2 का घात 1, इसका मान क्या होगा। आपने पढ़ा है, भाग करने पर घातें घट जाती हैं, है ना। तो बीच में भाग का चिन्ह लगा है, तो इसमें आप क्या करोगे, 2 का घात 3 - 1 इक्वल 2 का घात 2। बताओ होगा कि नहीं, 2 का घात 2 होगा। और आप जानते हो कि 2 का घात 2 का मतलब होता है 2 × 2 मतलब 4। कितना आएगा इसका आंसर, 4 आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। इसका बता दो जल्दी से, देखते हैं कौन कौन बता लेता है। ये क्वेश्चन नंबर है 8, इसमें ऑप्शन नंबर पहला है 5 का घात 7, दूसरा है 5 का घात 9, तीसरा है 5 का घात 1, और चौथा है 5 का घात 12। जल्दी बोलो, 8A, 8B, 8C कैसे, क्या होगा। देखिए, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, a का पावर m और कोष्ठक बंद बाहर से n, पढ़ा था कि नहीं। हमने आपको बताया था अगर इस तरह से होता है कहीं, तो ये a की पावर m इंटू n हो जाता है। बोलो, हो जाता है ना। मतलब घात घात का क्या होता है, आपस में गुणा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 4 का 3 में गुणा होगा, तो 4 × 3 = 12 होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये आपके 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी से छाप लो तुरंत फट से, और फिर अगला सवाल आपके सामने आ रहा तुरंत। कुछ और भी सवाल आपके सामने आ चुके हैं, इनका जवाब देना। देखिए, ये सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। 9 नंबर का जवाब जो है ABCD में दिया गया है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से भी आपको कोई एक ऑप्शन बताना है। देखिए, जब आधार समान हो, क्या हो, आधार समान हो और घातें अलग अलग हों, तो आप जानते हो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। लेकिन क्या होता है, जब आधार असमान हो, घातें समान हो, तब क्या होता है। इसके लिए आपने ये पढ़ा होगा, वो क्या पढ़ा है आपने,
ए का पावर यम इंटू वी का पावर यम, बोलो पढ़ा है ना। हमने आपको बताया था ऐसी स्थिति में आप ए गुणा वी कोष्ठक बंद बाहर से यम लगा सकते हैं, चूंकि दोनों पे पावर बराबर है। तो ऐसी स्थिति में आप इसका ऑप्शन नंबर सी चुन सकते हैं, ये राइट हो गया, ठीक। और अगर इसके आगे देखेंगे आप दसवां नंबर टेन नंबर में, तो टेन नंबर में क्या कह रहा है कि फाइव का पावर जीरो का मान क्या होगा। हमने आपको बताया था कि कोई भी चर पद है या अचर पद है, मतलब वेरिएबल या कांस्टेंट, उन सभी का मान क्या होता है, उन सभी का मान वन होता है, या आपको रट लेना है, बस कुछ नहीं करना है, इसको हो जाए ऑप्शन नंबर बी, ठीक। जल्दी से इसको लिखिए, वीडियो को रोक करके नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा आपके लिए सुविधा हो वैसा करिए, जल्दी करें। मित्रों जाने से पहले एक बहुत ही ध्यान से सुनना, अगर आपको कल की भी क्लास देखना है, डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का मैथ घर बैठकर देखना है, पूरा कंप्लीट कोर्स करना है, तो क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, ये व्हाट्सएप का भी नंबर है, फ़ोन पे का भी नंबर है, गूगल पे का भी नंबर है, इस पर आप किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। किसी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं दोपहर 11 बजे से लेकर के और 1 बजे के बीच में, 24 घंटा फ़ोन कॉल ना करें भाई, हम लोग भी इंसान हैं, इसमें जिसकी टाइम मतलब ड्यूटी रहता है उस टाइम पे अगर आप कॉल करेंगे तो आपको आसानी से सब कुछ समझा दिया जाएगा, रोबोट ना बनाएं, हमको भी इंसान रहने दें, ठीक ना। और हाँ, ये 549 का पेमेंट करना होगा कंप्लीट मैथ के लिए, ऐसा हम इसीलिए बोल रहे हैं कि जो लोग 30 सितंबर को पेमेंट नहीं कर पाए हैं, सर्वर बहुत दिक्कत कर रहा था बैंक का, वो लोग 1 अक्टूबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक पेमेंट कर सकते हैं, ये 549 रुपये, नहीं तो 1 अक्टूबर से आप लोग जानते हैं ये चार्ज 699 रुपये हो रहा है ना। तो 2 तारीख से ये 699 रुपये हो जाएगा, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपके लिए आज का एक अंतिम मौका है, आप कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, पूरा कंप्लीट मैथ आपको घर बैठे मिलेगा, व्हाट्सएप पे सारे लिंक मिलेंगे, उसे आप यूट्यूब पर देख पाएंगे, कोई डाउट होगा कॉपी में लिख करके फ़ोटो खींच के भेजेंगे, उसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, जो भी हेल्प होगी किया जाएगा, और अगर आप इतना सहयोग करेंगे तो आप लोगों की करुणा और आशीर्वाद से हम कोशिश करेंगे और अच्छे अच्छे टीचर लाएंगे, कैमरा की क्वालिटी कुछ अच्छी की जाएगी, क्लास की क्वालिटी अच्छी होगी, सुविधाएँ आपके लिए ही अच्छी होंगी। ये शुल्क सिर्फ एक बार देना है, ओनली वन टाइम, पूरा सेमेस्टर के लिए। तो इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, अगली क्लास देखना अभी थोड़ी देर बाद, यानी कि 6:30 बजे से, अब से लगभग 8 मिनट बाद, ठीक ना, देखना जरूर 6:30 बजे, सर्च कर लेना यूट्यूब पर PVR स्टडी, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को ऑन रखना, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, नहीं तो क्लास नहीं देख पाएंगे। शुक्रिया, जय हिंद।